राजस्थान पूरे में इस बार एक बड़ा मसला सबके लिए सवाल, कौतूहल और जिज्ञासा का विषय बना हुआ है कि रावणा राजपूत समाज आने वाले चुनाव में किस करवट बैठेगा। निश्चित तौर पर 40 लाख की जनसंख्या वाला यह समाज बड़ी से बड़ी चुनौती देने को तैयार है और अपनी कई मांगे और हक मांगने को तैयार है। हमारे साथ प्रदेशाध्यक्ष रावणा राजपूत समाज के रणजीत सिंह सोडाला मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने का ये प्रयास करेंगे कि समाज सोच क्या रहा है, आगामी रणनीतियाँ क्या हैं। सर, सबसे पहले तो एक यक्ष प्रश्न की आनंदपाल मामले के बाद जो समाज जिस तरीके से राज्य सरकार के खिलाफ हो चुका है, अभी भी क्या वही स्थिति है या बातचीत हो चुकी है? देखिए, कुछ मामले जैसे शांत होने लगते हैं तो प्रशासन की, मैंने अभी आपको कहा कि प्रशासन अपना चरित्र तय करे कि उनकी मानसिकता क्या है। राजस्थान सरकार में इतने पुलिस अधिकारी हैं, उस जांच में अभी तक देरी की जा रही है। उसके साथ के साथ जिस तरह से अभी विक्की के साथ हुआ कि उसी व्यक्ति को लगाया गया जो एनकाउंटर में थे, तो ड्यूटी और किसी की नहीं लगा सकते थे कि क्या मानसिकता है, क्या चाहती है सरकार। और निश्चित तौर पर आक्रोशित है हमारा समाज। हम ये कहना चाहते हैं, हम न भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, न हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं जैसे पंजाबी का साढ़े हक इत्थे रख, तो वो बात करके उसी तर्ज पर हम बात करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, हमें हमारा हक चाहिए। लेकिन सर एक दबी आवाज़ कभी कभार हमारे कानों तक आती है कि साहब, अमित शाह साहब जब आए तो समाज को चुप करा दिया और जैसे ही गए समाज भी चुप हो गया और आनंद पाल वाला जो मामला था उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। देखिए, समाज कहीं भी चुप नहीं हुआ, जिसका उदाहरण आज भी आपके पास है। हम यहाँ आए हुए हैं, 19 तारीख से हम निकले हुए हैं, जगह जगह हम समाज को चेता रहे हैं। और इसके साथ अब आने वाले चुनाव में हमारे सामने जो सामने सबसे बड़ी एक चुनौती बन के आ रहा है, वो अजमेर चुनाव है, अलवर चुनाव है, मांडलगढ़ चुनाव है। समाज अपनी ताकत दिखाएगा, हम कितना दम रखते हैं और क्या स्थिति पैदा कर सकते हैं। रावणा राजपूत कमजोर नहीं है कहीं भी, हम किसी के गुलाम नहीं है। हमें वोट देने का अधिकार है तो हमें राजनीतिक अधिकार भी मिलना चाहिए। देखिए साहब, लोग ये कहते हैं कि साहब 40 लाख की आबादी वाला जो है वो आज़ादी के बाद अभी तक पूछते नहीं है राजनीतिक पार्टियां भी, जब जिसको भी मन किया उसने अपने साथ मिला लिया, उसके बाद का जय दिन बाय बाय। जिस तरह से नैपकिन की तरह हमें समझा जा रहा है समाज को, वो मानसिकता तय बात है, चाहे हमें नोटों का प्रयोग करना पड़े, लेकिन हमारा नेता जो होगा हमारी जाजम से होगा। ऐसा भी नहीं कि सरकार का कुछ चापलूस या दोनों राजनीतिक पार्टी के जो चापलूस लोग हैं उनको कोई पद, उनको टिकट दे दी जाए या उनको चुनाव लड़ाया जाए। हम चाहते हैं हमारी जाजमत से दे दी जाए, मुझे कोई आवश्यकता नहीं, मैं नहीं चाहता। लेकिन हमारे जो भाई हैं जिस लायक हैं और पार्टी से जुड़े हुए निरंतर सेवा करते आ रहे हैं, उन लोगों में से किसी को टिकट दिया जाए और निश्चित तौर पे हमारा समाज उनको जिता के विधानसभा में भेजेगा। हमें आवश्यकता है, विधानसभा में हमारे समाज का प्रतिनिधित्व कोई जाना चाहिए, तो उसकी मांग हम कर रहे हैं। समाज को चेता रहे, जन चेतना कर रहे हैं, जगह जगह जा जाके समाज को ये कह रहे हैं कि एक रहे और एकता का पाठ पढ़ा रहे और लोग इस चीज़ को समझ भी रहे। ये मानसिकता बिल्कुल बराबर घुस चुकी। और हमारा युवा, खास तौर पे मैं युवा का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और शहीद आनंद पाल सिंह जो हुआ उसको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि सबको एक कर गया, हमारे युवा को चेता के चला गया। लेकिन सर, कई बार ये सवाल भी करते हैं कि आप शहीद कैसे कह रहे हो, महिमा मंडन कर रहे हो आप, वो आदमी अपराधी था, हत्याएं की उसने लूटपाट भी की। वो लोग बता रहे हैं कि ये महिमा मंडन क्यों, शहीद क्यों कहा जाए? देखिए, इस विषय पर हम चर्चा करते हैं तो शुरुआत से अगर हम चालू होते हैं तो वो भी राजनीतिक चाहता था, हमारे समाज को दबाया कुचला गया है। चाहे कोई भी जाति हो, सबसे कमजोर समझ के चलते हमारे समाज को, क्यों हम संगठित नहीं थे। तो उसने भी राजनीतिक लड़ाई, उसकी आपको पता है उसका पहला पायदान कहाँ से चालू हुआ, आप लोगों के पास तो सब गहराई तक उसकी जानकारी है। तो राजनीतिक वरदस्त के लिए उसकी लड़ाई लड़ी गई थी और उसी के कारण जब सरकार ने उसकी मांगे नहीं मानी, हमारे सामने हुआ है साहब, हमारे सामने जो बच्चे बिल्कुल राजी खुशी आ रहे हैं, नए कोई उपद्रव कर रहे हैं, उनको बसों से उतार उतार के मारा गया है, तो ये अन्याय नहीं है तो क्या है? और यूथ है जो क्रांति का प्रतीक होता है, यूथ का खून गर्म होता है, तो उसने फिर प्रतिशोध में कुछ ना कुछ करेगा। जब सरकार पुलिस प्रशासन नहीं सुनेगा तो आदमी क्या करेगा? मतलब सरकार में और प्रतिनिधित्व अगर जयपुर दिल्ली तो होता तो आनंद पाल की पैरवी हो सकती थी, समाज अब ये सोच रहा है पुरजोर तो हो सकती थी। हमारे जो समाज के नेता थे गिने चुने, वो दुम दबा के नीचे बैठ गए थे। और जो राजपूत समाज के जो नेता जो हमारा साथ नहीं दिया, उनको भी हम सबक सिखाएंगे, ये निश्चित बात है। जो आज मंत्री बने हुए बैठे हैं उनको बताएंगे कि बैरिंग डाक कैसे जाती है, लोटाया कैसे जाता है, चाहे कितना बड़ा से बड़ा दिग्गज नेता इनके प्रचार के लिए आ जाए, रावणा राजपूत समाज का बच्चा उसके जहन में ये अभी भूले नहीं हम इस चीज़ को, अन्य भुलाने के हम न भूलने देंगे कि रावणा राजपूत समाज वो समाज है
जो राजपूतों से मिलता है। आपको एक आपकी बात अभी थोड़ी देर पहले भी कीजिए, एक हक है जिसके लिए थोड़े दिन बाद लड़ाई लड़ने वाले हैं, ठीक है, कि बराबरी का हक दें, वो लड़ाई क्या रहेगी, क्या किस तरीके से आरक्षण में या फिर राज्य सरकार में जहाँ पर भी सरकार बने उसमें हिस्सेदारी में? देखिए बात ओबीसी की करते हैं, मूल ओबीसी की, तो उसमें हम कह रहे हैं कि 19 साल से लगभग 13 साल से केंद्र सरकार के पास प्रतिवेदन वर्मा आयोग पड़ा है पेंडिंग, उसको लागू किया जाए, और या फिर कर्पूरी ठाकुर की तरह बिहार में जो लागू किया गया वो पद्धति राजस्थान में लागू की जाए। उसके साथ के साथ राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है, हमारा कोई बोलने वाला नहीं है, हमारा नेतृत्व तो पूरा संगठित हो चुका, हमारा यूथ संगठित हो चुका। हम ये चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में हमें उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, जिसकी जितनी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। सर ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, डिमांड तो बता दो कि डिमांड समाज की क्या है, सीटें इतनी पर मिलनी चाहिए या फिर ये शर्तें हैं उसके बाद हम चुनाव में आपको वोट देंगे, कुछ तो क्लियर करेंगे ना सर? हम क्लियर ये करना चाहते हैं कि हम लुभाव में नहीं आएंगे, प्रलोभन में नहीं आएंगे, जो बात होगी हमारी पूरी टीम है बैठ के बात करेगी, और भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस दोनों तय करे, हम कैंडिडेट से कोई बात नहीं करेंगे। केंद्रीय प्रतिनिधि जो इनके पर्यवेक्षक लगे हुए हैं, जो आए हुए हैं, उन लोगों से बात करेंगे और वो हमें ये आश्वासन दे देंगे कि भाई हम आपको इतना अधिकार देंगे और आपका इतना हक है बनता है, वो हम आपको टिकटें देने को तैयार है। हम ये नहीं कह रहे आप ऊपर से कोई पैराशूट दे दो, जो हमारे लोग धरती से जुड़े हुए हैं, आपकी पार्टी की सेवा कर रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, राजस्थान में मूल रूप से दो ही पार्टियाँ हैं। हम चाहते हैं हमारे कार्यकर्ता में से जहाँ हमारे समाज का बाहुल्य है वहाँ उसको टिकट दिया जाए। आप खुद भारतीय जनता पार्टी के सर सदस्य रहे हैं, अभी भी हैं, लेकिन आपसे ये जानना जरूर चाहूँगा कि 1.5 साल रहा है, अब भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में सत्ता में है, मैं फिर जिक्र करूँ कि आप उस पार्टी के सदस्य रह चुके हैं, तो क्या आनंदपाल मामले को लेकर चुनाव आ रहे हैं, चेतावनी सरकार को आपकी हमारे माध्यम से देना चाहेंगे? हम मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आनंदपाल प्रकरण हो चाहे राजनीतिक प्रकरणों में, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी से 1981 AVP से लेकर आज तक जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन इसके साथ के साथ ये कहना चाहता हूँ, हमारे संगठन को आगाह करना चाहता हूँ कि देखिए इतना निर्दय नहीं बनी है और इस समाज के साथ अत्याचार करना बंद कर दे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, हमें हमारे हक की लड़ाई लड़नी है, समाज का दर्द है, समाज की पीड़ा है, मैं समाज के साथ हूँ, सर्वप्रथम मेरा समाज मेरे लिए सर्वोपरि है, उसके बाद पार्टियाँ सर्वोपरि है, मुझे कोई निकालते हैं पार्टी से और कोई छोड़ना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, कोई त्याग करने के लिए। आपके समाज के एक बड़े नेता है जनार्दन सिंह गहलोत साहब, आनंदपाल वाले मामले में उनका जो सपोर्ट रहा उससे समाज क्या उम्मीद करता है? देखिए एक तरह से लॉलीपॉप दिया गया था जनार्दन सिंह जी को, जो बनाया गया, हमारे आदरणीय है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इस मामले में उनका पूरा यह सहयोग रहा, तो और हमारे कुछ पदाधिकारी और भी हैं तो उनका भी यह सहयोग रहा, तो हम यही कहना चाहते हैं कि जवाब मांगेंगे, जवाब बिल्कुल समाज मांगेगा, मैं क्या जवाब मांगूंगा, युवा मांगेगा। एक जाते जाते एक सवाल और सर करना चाह रहा था कि यहाँ की बाड़मेर की बात अगर की जाए, जैसलमेर की बात की जाए, तो रावणा राजपूत समाज के राजनेता जिनसे बातचीत होती रहती है उनका ये कहना है कि साहब पार्षद से ज़्यादा ऊंचा उठने देते नहीं हमारे को, ठीक है, क्या वजह है, राजनीतिक जो फैसले हैं वो लेने में भूल करते हैं आप, होता क्या है? देखिए अब तक तो बिल्कुल समाज की स्थिति थी कि कोई राजनीतिक नेतृत्व हमारा कोई था, समाज का नेतृत्व भी नेतृत्वहीन था, लेकिन अब जो बात करेंगे ना हम, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे यूथ की टीम, हमारी दलप सेना, हमारे विभिन्न संगठन चल रहे हैं, उन सबसे एक टेबल पर चर्चा करके एक रूपरेखा बना के कि हमें कहाँ टिकट लेनी चाहिए, हमें कहाँ मांग करनी चाहिए, उसके साथ के साथ मूल ओबीसी की भी हम साथ है, मूल ओबीसी की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम संगठन विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं, तो सब मिल के हमारी मांग करेंगे और हमारा निश्चित तौर पर हमारा प्रदर्शन दिखाएंगे, वो मूल ओबीसी में दिखाएंगे, लेकिन उसमें जिलाध्यक्ष जो हमारी जिले की टीम है उससे जरूर राय लेंगे। सर किसी ये अंतिम सवाल है मेरा, किसी पार्टी ने अप्रोच किया कि रावणा राजपूत समाज उनके साथ जुड़ जाए आनंदपाल मामले के बाद, क्योंकि एक सीधी सी यहाँ पर एक मैसेज गया कि साहब भारतीय जनता पार्टी से बड़े नाराज़ है रावणा राजपूत और कभी भी परिवर्तन कर सकते हैं, तो क्या अप्रोच हुए हैं आप? नहीं अभी नहीं हुए, अभी हमारी कोई चर्चा नहीं हुई किसी राजनीतिक पार्टी से, और निश्चित तौर पर रावणा राजपूत समाज ने पूर्ण रूप से मानसिकता बढ़ा रखी है कि जो हमारे साथ और हमारे हक की बात करेगा उसी पार्टी के साथ हम रहेंगे, वरना निश्चित तौर पे हमारा परिवर्तन दिखाएंगे और हमारा आक्रोश आने वाले टाइम में अजमेर चुनाव और मांडलगढ़ चुनाव में निश्चित तौर पे दिखाएंगे, ये तय बात है।
ये थे रणजीत सिंह जी सोडाला, प्रदेश अध्यक्ष रावणा राजपूत समाज, और इनका स्पष्ट कहना है कि रावणा राजपूत समाज के राजनीतिक फैसले अब समाज बहुत सोच समझ कर लेने वाला है। और इसके साथ ही आनंदपाल मसले को लेकर इन्होंने अपनी बात स्पष्ट कर दी है कि अभी संघर्ष में विराम लगा है, रुका नहीं है, और जल्द ही इसको लेकर सवाल सरकार से किए जाएंगे। अब देखना यह है कि इस मसले को लेकर रावणा राजपूत समाज सरकार को कितना घेर पाता है। लेकिन ये सोचने वाले बात भी है कि आगामी 1.5 साल में जो चुनाव की रणनीतियाँ बननी है, इसमें रावणा राजपूत समाज एक अपना अहम योगदान रखता है, क्योंकि 40 लाख की आबादी किसी सरकार को बनाती है तो बिगाड़ती भी है। कैमरा पर्सन अशोक दहिया के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, इंडिया न्यूज़, बाड़मेर। बहुत